है? दो बिस्कुट। ऐसा कितनी बार होता है कि अच्छी चाय के साथ में कुछ अच्छा खाने का मन करता है और तब यहां तो कुछ अच्छा खत्म हो गया होता है या फिर कुछ अच्छा बनाने का टाइम नहीं होता, है ना? तो प्रॉब्लम कर देते हैं आज सॉल्व। चाय बड़ी अच्छी बनी है, साथ में बनाते हैं कटलेस। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर ब्रा और आज बनाते हैं एकदम चाय के साथ क्रिस्पी करारे तंदूरी कटलेस रवे के साथ। कॉलिंग एंड एक्शन। तो इस रेसिपी की जो खूबी है ना वो ये है कि अगर आप आराम से तसल्ली से 10-15 मिनट लेके चाय बनाने वालों में से हैं तो जब तक आपकी चाय रेडी होगी ये कटलेस रेडी हो जाएगा। दैट इज़ द ब्यूटी, मोनोपोली यही। ठीक है जी, गाजर बीन्स के बगैर तो दुनिया का कोई कटलेस नहीं बनता। देखिए, अगर आप ये बोल रहे हैं कि रणवीर भाई ये तुम काट रहे हो, जब तक हमारी चाय बनेगी तब तो तुमसे गाजर नहीं कटेगी, तो आप एक काम करिए, गाजर जो है कद्दूकश कर लीजिए। अगर आप मेरी बात को लिटरली ले रहे हैं तो लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको। अब इसको तंदूरी करने के लिए क्या करना है, तंदूरी करने के लिए दो चीज़ों का इस्तेमाल करना है, दही का और एक क्विक झटपट तंदूरी मसाले का। ठीक है, और हम साथ में मिक्स कर लेंगे सब, टाइम नहीं वेस्ट करते हम, समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करते। चाय ठंडी होने से पहले बना दूंगा मैं। अभी दही में काली मिर्च का पाउडर, इलायची का पाउडर थोड़ा सा ऑप्शनल है, लाल मिर्च, मेरा प्रिय मित्र धनिया पाउडर, थोड़ी सी हींग, एकदम टिच सा जीरा पाउडर। धनिया ठोक के, जीरा रोक के। धनिया स्वाद देता है, जीरा जो है वो स्वाद देता है पर रंग खराब कर देता है। ठीक है, तो धनिया ठोक के, जीरा रोक के। गाते हैं भाई, जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छा बना है, जिंजर गार्लिक पेस्ट। और अगर आप भी यही गाना गाते हैं कि होते अगर तुम चटकारे सनम हम तो सितारों पे रख देते कदम टाइप का गाना, तो फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट चटकारे के लिए बहुत ज़रूरी है, ठोक के डालिएगा। थोड़ा पानी, ये लो जी, जितनी दही उतना पानी, और बाद में जब कटलेट बनने के बाद बड़े बड़े भी शेफ खाएंगे तो याद आ जाएगी उनको अपनी नानी। मैंने 3 भाग पानी के रखे हैं और उसमें 2 भाग रवा डाला है, और ये रवा जो है मैंने ऐसे हलवे की तरह भूना नहीं है, कच्चा डाला है। क्यों? क्योंकि हम बना रहे हैं कटलेट, अगर आप रवा भून देंगे तो फिर खिल जाएगा रवा, खिल जाएगा तो कटलेट नहीं बनेगी। आप चाहते हैं कि बाइंडिंग देना रवा, राइट? अगर मैंने इस रेसिपी को बेचना तो मैं बोलता आपको दिखाते हैं, आइए आलू के बगैर बना हुआ हाई प्रोटीन कटलेट। आई मीन रवा में 10% के ऊपर प्रोटीन होता है, कई व्हीट वराइटीज़ हैं उसमें 11.5 से 12% तक प्रोटीन होता है उसकी सूजी में। तो टेक्निकली 11% के ऊपर अगर प्रोटीन है तो आप उसको हाई प्रोटीन बोल के बेच सकते हैं, तो आप इसको हाई प्रोटीन कटलेट बोल सकते हैं, वेजिटेरियन हाई प्रोटीन कटलेट्स। कटलेट्स, नाइस। चलो जी, अब जो सूजी है, सूजी का काम है पानी खींचना, सूजी का धर्म है पानी खींचना। अब उसका मूड खराब हो या ठीक हो, सूजी अपना धर्म निभाती है। वैसे हमारा धर्म है खाना बनाना, हमारा मूड ऑफ है, ठीक है, नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा धर्म है आपके लिए खाना बनाना। आपका धर्म पता है क्या है? सब्सक्राइब करो। स्मार्ट हो गया मैं। जो पहली बार देख रहे होंगे चैनल, बोलेंगे बड़ा बुशर्म आदमी है। लाइफ इज सिंपल, लाइफ इज ईजी, नो रॉकेट साइंस। अब तड़का जो लगाना है, आप चाहें तो कड़ी पत्ते और राई का भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं कड़ी पत्ते और राई का तड़का नहीं लगाऊंगा बिकॉज मैंने बोल दिया है तंदूरी। अब तंदूरी बोल दिया तो तंदूरी निभाना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं कर सकते कि तंदूरी बोल दिया फिर उसमें कड़ी पत्ता राई, मतलब उत्तर दक्षिण ये वो सब सब चलता है। अदरक उर्फ जिंजर, सब्जियां उर्फ वेजिटेबल, और उन मम्मियों के लिए तो बड़ी अच्छी रेसिपी है जो बहाने ढूंढते रहते ना, बच्चे सब्जियां नहीं खाते, तो जी स्पाइस कर दो कम और सब्जी कर दो ज्यादा। देखिए कितना मासूम लग रहा है ना ये, है ना, कितना मासूम लग रहा है, अभी जाके बताएगा कि कितने काम की चीज है ये।
की मासूमियत में मजा ही है। ये भोला भाला नहीं है, ये रवा, बड़ी खतरनाक चीज़ है ये। बेसिकली क्या करना है, रवे को दही में सोक करके रख लेना है और उसको मार देना है तड़का। तड़का जो मर्जी मारिए, सब्जियां जो मर्जी डालिए, आपकी डिश फेल नहीं होगी, वो गारंटी हमारी है। ठीक है, अभी तक मैंने कुछ ऐड नहीं किया, कुछ मतलब और पानी ऐड नहीं किया। क्यों? क्योंकि कोई जल्दी नहीं है हमको। अब ये वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, रवा को अच्छे से भूनना बहुत इंपॉर्टेंट है। रवा के अंदर जो लिक्विड है वो सूजी को, रवे को नरम करेगा, उसी से इस डिश का टेक्सचर आएगा, राइट? अगर आपने जल्दी जल्दी में, आपको लगा हो गया और आपने जल्दी जल्दी में ये मिक्सचर कढ़ाई से नीचे उतार लिया और मिक्सचर को हटा के फिर उसकी कटलेट बना ली, तो आप बनाने जाएंगे एकदम नरम मुलायम रवा कटलेट, बन जाएगी दांत तोड़ने वाली रवा कटलेट, जिसमें रवा ऐसे चरचराएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था, रवा को पानी पीने के लिए वक्त चाहिए। कुकिंग इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड टेम्परेचर। खाना जो है वो दो चीज़ों का मुरीद है, सब्र का और ताप का। अभी क्या करना है, अभी इसको करना है टेस्ट। टेस्ट और करनी है अपनी थोड़ी सी तारीफ और बोलना है गुड जॉब रणवीर। होते अगर तुम चटकारे सनम हम तो चटकारा पूरा आ गया। इसको आप कर सकते हैं डीप फ्राई और इसको कर सकते हैं शैलो फ्राई। अगर आप इसको डीप फ्राई करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ब्रेड क्रम या ऐसे ही गीली ब्रेड डाल के उसको साथ में मिला लीजिए। अगर आप इसको शैलो फ्राई करना चाहते हैं तो थोड़ा सा चीज़ मिला लीजिए। चीज़ आप डीप फ्राई करते टाइम अगर मिलाएंगे मिक्सचर के अंदर तो वो जाके फट जाएगा, यानी कि आप बनाने जाएंगे कटलेट, बन जाएगा तेल में जाके बम, फट जाएगा ना वो, और आप कहेंगे इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है टेक्सचर। ये देखिए, मुलायम होना बहुत ज़रूरी है। कटलेट चाहे आलू का हो चाहे रवे का, अगर मुलायम नहीं है तो किसी काम का नहीं है। बाकी आपको पता है कि तेल आप थोड़ा कम डालना चाहें डाल सकते हैं, हम नहीं शर्माते तेल तूल के मामले में। क्वांटिटी कम खा लो लेकिन अच्छी खाओ। चलो जी, रूम टेम्परेचर पे आ गया, अब इसको अच्छे से मसल लेते हैं। जब आपको लगे कि आप इसको हैंडल कर सकते हैं, उतना ठंडा हो गया, तो उसको एक बार मसल लीजिए। उससे क्या है, फ्लेवर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, टेक्सचर इवन हो जाएगा, और ये एक तरह से ये समझ लीजिए, ये देखिए ये डो बन गया ना जैसे। सब हो गया, बस एक काम रह गया, मेरा प्रिय मित्र धनिया। कितनी देर लगी? इंस्टेंट सोकिंग, 2-3 मिनट उसको भूना और उसके बाद आपका मिक्सचर रेडी है, हैं? अब ये मिक्सचर आप फ्रिज में रख सकते हैं जितने मर्जी दिन, मतलब 3 से 4 दिन। देखिए एकदम डो जैसे हो गया ना, जैसे आपने आटा गूंधा होता है, लेकिन चटकारा पूरा है, ब्यूटीफुल। ये देखिए, अब चाहे इसको सीधा डीप फ्राई कर लीजिए, चाहे हल्का सा ब्रेड क्रम लगा के डीप फ्राई कर लीजिए, हम ब्रेड क्रम लगाएंगे। क्यों? हमारी मर्जी, ब्रेड क्रम पड़ा हुआ है हमारे पास। ये लीजिए, मैं सोच रहा हूँ चीज़ भर दूँ अंदर, इसके लिए जगह बना रहा हूँ। कटोरी बनानी है बेसिकली, है ना, उस कटोरी में बाद में चीज़ भरना है। ऐसा नहीं है कि चीज़ ही भरना है, आप अगर चाहें तो चॉप प्याज भर सकते हैं, आप चाहें तो बारीक कटी हुई सब्ज़ी भर सकते हैं, ठीक है, आप चाहें तो कुछ नहीं भी भर सकते अगर जल्दी है तो। मैंने कहा चीज़ दिखाऊं तो प्रॉपरली पूरी दिखाऊं ना। अगर आप वैसे हैं कि लास्ट मिनट अभी चाय बनानी है, साथ साथ क्या किया जाए, तो सीधे इसको ऐसे ही फ्राई कर लीजिए। तो एक तो ये शेप है, ये शेप आप बनाना सीख गए ना, अब वो शेप बनाते हैं जो मैं एक्चुअली आज बना रहा हूँ। बिल्कुल सिंपल, जो ईजिली कॉपीएबल है, नकल उतारने में भी आसान है, वो है जी सिंपल गोल टिक्की जैसा। ये चीज़ भरी, प्रेस किया नीचे, प्रेस करते ही ऊपर बंद कर दिया और प्रेस ज़रूर कर दिया वापस ऊपर भी। ये लीजिए, उसके बाद अच्छे से दबाया ऐसे। ये मैंने यहाँ पर मैदा और पानी मिक्स किया है, ये देखिए इतना गाढ़ा। एक में डालता हूँ ब्रेड क्रम, ऑप्शनल है, अगर मैं इसको ऐसे भी डाल दूंगा ये फ्राई हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ब्रेड क्रम के बगैर फ्राई नहीं होगा, बाइंडिंग के लिए ब्रेड क्रम चाहिए, सिर्फ टेक्सचर के लिए ब्रेड क्रम डाल रहा हूँ मैं।
यहाँ पर जो ब्रेड क्रम मैं यूज़ कर रहा हूँ वो जापानीज ब्रेड क्रम है, पैन को थोड़ा मोटा होता है और ये समझ लीजिए कि ब्रेड शेविंग्स होती हैं, ब्रेड क्रम नहीं होता, और इसलिए इसका टेक्सचर बड़ा अच्छा आता है। टेक्सचर मतलब जो इसका माउथ फील है, जिस तरह से ये दिखेगा, खिला खिला दिखेगा, दिखने में अच्छा लगेगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। अब अगर आप शेप देना चाहें तो यही वक्त है वापस से उसको अच्छे से, अगर आपको शेप देनी है, दिस इज़ द टाइम। और जैसे मैंने कहा, अगर आप इसको फ्राई नहीं करना चाहते, बहुत सिंपल है, ब्रेड क्रम लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ही शैलो फ्राई कर लीजिए, थोड़ा चीज़ मिक्स कर लीजिए बस। चीज़ कितना मिक्स करना है, अगर आपका मिक्सचर जो है वो 100 ग्राम है तो 15 ग्राम चीज़ ग्रेट करके मिक्स कर लीजिए, तो आप आराम से उसको तवे पे शैलो फ्राई कर सकते हैं। सब बता दिया मैंने, देखिए। अब आप ये नहीं कह सकते कि रणवीर ने बताया नहीं। होते अगर तुम चटकारे सनम, हम तो सितारों पे रखते कदम। होते अगर ये चटकारे सनम, हम तो सितारों पे रखते कदम। वाह, चलो जी, बन गई चाय। वो आपको कटलेट दिखाने के चक्कर में मेरी चाय ठंडी हो गई थी। अपनी चाय को ठंडा मत होने दीजिए, कटलेट बना लीजिए, और उससे भी पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब अगर कर लिया है तो वीडियो शेयर कीजिए ताकि लोग सब्सक्राइब कर सकें। थैंक यू वेरी मच, बनाइएगा ज़रूर। चाय का कप कहाँ गया, कप कहाँ गया भाई, छोड़ो कटलेट लेके चलते हैं।